सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे। तो सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप लॉन्च हो चुका है, तो डाउनलोड नहीं किया जरूर से करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें ई बुक भी है। ई बुक लगभग जो आज जितने लोग भी जुड़ेंगे उन सभी को ई बुक आपको अवेलेबल होगी। इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से, तो फ्री ई बुक रहेगी। और उनको मेल आपका, मतलब जो आपका, जब आप ऐप से जुड़ोगे तो आप तक वो पहुँच जाएगी ई बुक आज ही। और इस ई बुक में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से कंटेंट कवर्ड आपका रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है, इसका आप लोग ज़रूर से फ़ायदा उठाओ। मेरे द्वारा जो सेशन लिया जाता है उसका सभी पूरा जनवरी से लेकर जुलाई तक का कंपाइलेशन है उसमें, तो अल्टीमेट वो ई बुक है, तो वो भी आपको ऐप में मिल जाएगी। फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, सारी चीज़ें हैं, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी मैंने लॉन्च कर दिया है, तो वो भी आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट एडामेलो ग्लेशियर। अब यहाँ पे देखो, हमें ये ध्यान में रखना, इस पर लेटेस्ट रिसर्च आई है एडामेलो ग्लेशियर के ऊपर। सो एडामेलो ग्लेशियर क्या है, लार्जेस्ट है इटालियन एल्प्स माउंटेन यहाँ लोकेटेड है। तो ये ग्लेशियर लोकेटेड कहाँ, एडामेलो ग्लेशियर आपसे पूछे कहाँ लोकेटेड है, इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन इटली, मतलब यूरोप में लोकेटेड, एटलीस्ट इतना याद रखना है। फिर ये जो एडामेलो है, यहाँ पे धीरे धीरे जो स्नोफॉल है वो कम होती जा रही है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ना, स्नोफॉल कम होती जा रही है, लोग यहाँ पे घूमने और इस टाइप से मूव करने लग गए हैं, अदरवाइज इतना आसान नहीं था। तो इनके बहुत इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और इन सब में रिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्लेशियर्स का अपना रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सट्रीम एलिनो वेदर सॉ साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट कार्बन सिंक स्विच ऑफ। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एलिनो के इवेंट, जैसे भारत में भी एलिनो इवेंट देखने को मिल रहा है, तो एलिनो जो इवेंट है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे फॉरेस्ट और इन सब पर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हमें पता होना चाहिए। पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है, जनरली देखो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी लेवल पे देखो, तो जैसे मान लो ये पत्ती है, इसके ऊपर आपका जो है ये स्टोमेटा होता है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा क्या करता है, CO2 को अब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स एटमॉस्फेरिक जो कार्बन है, उस एटमॉस्फेरिक कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम ये स्टोमेटा के माध्यम से होता है। जनरली जब बाहर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, तो ये क्लोज होगा तो CO2 अंदर नहीं जाएगा। तो इससे क्या है, जो एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो कार्बन सिंक के रूप में काम करता है प्लांट्स, उसकी जो कैपेसिटी है वो भी आपकी रिड्यूस होती है। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है, जो एलिनो इवेंट है, सूखे की स्थिति, हाई टेम्परेचर जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है, तो साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट जो कि आपके कार्बन सिंक के भी के रूप में कार्य करते थे, तो वो भी आपका इससे अफेक्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, यू कैन एक्सप्लेन दिस आस्पेक्ट। फिर देखो, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के हैं, इनका जो कार्बन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी एबिलिटी है, दैट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, वो हमने डिस्कस किया है। दे विल नॉट एक्ट एज अ कार्बन सिंक, एंड ये आप कह सकते हैं कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्ट है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज, एक बड़ा डेवलपमेंट आपका जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल भी इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। सो एलिनो इवेंट होता कैसे है, एलिनो के लिए हमने ये डिस्कस किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये साउथ अमेरिका है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका पैसिफिक ओशियन है, दिस इज़ पैसिफिक ओशियन। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो करंट बहती है इसे हम पेरू करंट कहते हैं, और ये कोल्ड करंट होती है, तो इसका टेम्परेचर लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस से आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो इंक्रीज़ है टेम्परेचर का, इसकी वजह से देर इज़ अ रिवर्सल, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उसका रिवर्सल जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सूखे की स्थिति पड़ती है और यहाँ पे आपकी बारिश की स्थिति होती है, मतलब इस जगह पे रेनफॉल होगा, यहाँ सूखे की स्थिति जो है आपकी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब एलिनो इवेंट की अगर हम जो है बात करें, तो ये पूरा का पूरा जो रीज़न है, इस रीज़न में हाई टेम्परेचर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बिकॉज ऑफ द एलिनो इवेंट। जनरली कोल्ड की वजह से, कोल्ड अगर करंट है तो हाई टेम्परेचर आपका नहीं होता है, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से समुद्र के सरफेस के, ये एलिनो इवेंट की वजह से साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में भी अराउंड जो एरियाज हैं हाई टेम्परेचर आपका हो जाएगा, जिससे कि फिर अगेन जो अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया, हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो आपके स्टोमेटा है दे विल बी क्लोज्ड, और जो CO2 है वो कम से कम एब्जॉर्ब होगा।
और जब CO2 कम से कम एब्जॉर्ब होगा तो फिर कार्बन सिंक के रूप में प्लांट्स भी आपके एक्ट नहीं करेंगे। इसी से जो अमेजन फॉरेस्ट है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। एंड ख़ासतौर से ये भी कहा गया कि जो अमेजन फॉरेस्ट है हाई टेम्परेचर और वाटर अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा आपके वनरेबल हैं तो क्लाइमेट चेंज से ये फ्यूचर के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। दिस हैज़ बीन हाईलाइटेड। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हो इस टाइप के डेवलपमेंट हो रहा है। स्टॉर्म हैक्यूई की अगर बात किया जाए तो स्टॉर्म हैक्यूई बेसिकली लेड टू हेड्स टू चाइना आफ्टर डबल लैंडफॉल इन ताइवान। तो ये हैक्यूई है, हैक्यूई बेसिकली एक टाइफून है जो कि आपका जैसे जनरली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली इनके लिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है। और ये डिफरेंट लेवल पे होते हैं, जैसे आपके पास हरिकेन है और अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हरिकेन के अलावा जैसे मान लो आपका पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन में आपका जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन आते हैं उन्हें हम टाइफून बोलते हैं। तो हकोई जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, इट्स अ टाइफून काइंड ऑफ थिंग। और ये क्या एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी अगर आप देखो तो अगर जैसे मान लो ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जो ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो वहाँ पे ये साइक्लोन्स उस कंडीशंस में जो है वो आपके क्रिएट होते हैं। दीज आर क्रिएटेड, इनके लिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई ज़रूरी है। तो मॉइस्चर जो सप्लाई आपका होता है, दिस मॉइस्चर बेसिकली इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है। इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, किसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो साइक्लोन बनता है उसके लिए। तो आपको याद रखना ताइवान रीजन को डबल इसने हिट भी किया है और इसे बहुत सारा डैमेज और ये सब भी देखने को मिला है। एंड पहले अपीयर टू डिपार्ट द आइलैंड और ताइवान को है, बट इसने फिर से लैंडफॉल किया है। और लैंडफॉल का मतलब क्या होता है कि जब साइक्लोन आपका टच करता है लैंड एरिया को, इट टचेज द लैंड एरिया, वो आपका होता है तब। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी शो अ डिक्रीज इन इंडियन ओशन साइक्लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। तो यहाँ पे देखो ये इंडियन ओशन रीजन है, दिस इज़ इंडियन ओशन रीजन। अब इस इंडियन ओशन रीजन के अंदर देखो ये जो कंटेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, खासतौर से प्रीलिम्स मेंस या ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए भी और साथ में ऑप्शनल के लिए भी है। और अगेन आई एम स्टेटिंग, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर लेना तो उसमें फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। ई बुक है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी मैंने लॉन्च कर लिया उसमें, आज यूज़ करना इस कोड को SPSIR करके तो 2000 rupees और रिड्यूस हो जाएंगे। तो पूरा ऑप्शनल आपका काफ़ी कम अमाउंट में कवर होगा, 15 तारीख से क्लास शुरू होंगी। तो ये ऑफर आज के लिए ही है, तो इसको ज़रूर से आप लोग ज्वाइन करना। ऐप के अंदर आप जैसे ही आपको कोर्स कैटेगरी में जाओगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा, उसमें आप ये कोड डाल के ज्वाइन कर लेना SPSIR। ठीक है, तो ये ऑफर है जिसमें 2000 आपको डिस्काउंट रहेगा। तो आप ज्वाइन, जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए जुड़ना चाहते हैं, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस भी यूट्यूब के अंदर आपकी कुछ रहेंगी जिससे आपको आइडिया लग सके। अब देखो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टडी शोज अ डिक्रीज इन इंडियन ओशन साइक्लोन्स। तो यहाँ पे क्या है, ये इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पे साइक्लोन जो है वो डिक्रीज करने की बात की है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो थ्रेट है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और ये सब हो रही है जो कि कंडीशंस क्रिएट कर रही है साइक्लोन्स के बनने के लिए। सो कुछ लेवल पे जैसे यहाँ पे साइक्लोन एक्टिविटी इंडियन ओशन रीजन में कम हो रही है, बट जो भी चेंजेस पैसिफिक ओशन में हो रहे हैं तो ये साइक्लोन फ्यूचर के अंदर आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं, ऐसा आपका बोला गया। अब जनरली ये भी कहा गया कि ये जो प्राइमरीली जो डिक्लाइन है दिस इज़ ड्यू टू लो लेवल मॉड्यूलेटेड बाय द पैसिफिक डिकेडल ऑस्किलेशंस। तो यहाँ पे जैसे विंड शेयर का मतलब जनरली अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक टर्म यूज्ड है, बार बार यूज्ड है इसमें विंड शेयर। तो विंड शेयर क्या है, विंड की स्पीड और डायरेक्शन में चेंज, थोड़े ही डिस्टेंस में विंड की स्पीड और विंड की डायरेक्शन में जो चेंजेस होता है उसको हम विंड शेयर बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये इस तरीके से मूव कर रही है, इसके डायरेक्शन में चेंज, इसकी स्पीड में चेंज, एंड हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वर्टिकल लेवल पे, और ये बेसिकली क्या है कि जो टेम्परेचर में बदलाव एकदम से हो जाए या प्रेशर एस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे तो विंड शेयर जो है वो देखने को या मिलता है। तो विंड शेयर का मतलब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो
जो पीडीओ है पैसिफिक डिकेडल ऑस्किलेशन, तो पीडीओ बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये पीडीओ का मतलब क्या हुआ, जो सी सरफेस का टेम्परेचर है अलोंग द पैसिफिक ओशन, सी सरफेस टेम्परेचर अलोंग द पैसिफिक ओशन, उसमें कंटिन्यूसली बदलाव, कभी कूल कभी वार्म, कूल एंड वार्म की स्थिति बनी रही, कभी ठंडा कभी गर्म, तो ये स्थिति पीडीओ कहलाती है। और ये पीडीओ जनरली 20 से 30 साल में आपका होता है, ये कूल और वार्म वाला जो फेस है ये देखने को मिलता है। एंड जो पीडीओ है लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन है सी सरफेस टेम्परेचर में नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, तो ये थोड़ा याद रखना पीडीओ का मतलब क्या होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म इजिली नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के अलॉन्ग अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 से 5 डिग्री का जो है उसमें क्या है कि कोरिलेसिस फोर्स या तो नहीं होता या बहुत वीक होता है। इस वजह से क्या है कि जनरली अगर आप देखोगे तो साइक्लोन बनते नहीं हैं, बट जो आपके विंड पैटर्न इंडियन ओशन रीजन में ये फैसिलिटेट करते, जैसे कोरिलेसिस फोर्स में क्या होता है कि इस फोर्स की वजह से ये इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो एक वर्ल है वो क्रिएट करने में मदद मिलती है कोरिलेसिस फोर्स में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो इंडियन ओशन रीजन है उस इंडियन ओशन रीजन का जो विंड का पैटर्न है वो हेल्प करता है कि इक्वेटर के अलोंग भी साइक्लोन बन सकते इवन कोरिलेसिस फोर्स कम या बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्पिन को अलाउ करता है। एंड अगेन विदाउट द स्टॉर्म वीकनिंग विंड शेयर स्टॉर्म्स कैन मूव एंड स्ट्रेंथन मोर इजिली, सो विदाउट द स्टॉर्म वीकनिंग विंड शेयर मतलब जो स्टॉर्म को रोकने के लिए जो विंड शेयर होता है, विंड शेयर अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये जो कंडीशंस अवेलेबल है इंडियन ओशन रीजन में वो फैसिलिटेट करेंगी साइक्लोन को और बनने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फैसिलिटेट कर सकती है फ्यूचर के अंदर। ये फ्यूचर डेवलपमेंट की जो है वो बात हो रही है। सो जैसे इसमें कहा गया कि जैसे साइक्लोन ओखी आया था 2017 के अंदर और ये इक्वेटर के पास ही बना था श्रीलंका और उसमें लगभग बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, और यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस में ये हो रहा है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इक्वेटर के अलोंग भी जो साइक्लोन है बन सकता। तो जनरली आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो ये बताया जाता है कि इक्वेटर के अलोंग नहीं बन सकता, बट अभी जो डेवलपमेंट है ये हाईलाइट कर रहा है कि इवन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके इक्वेटर के अलोंग भी जो है बन सकता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वार्मिंग अलोंग द इक्वेटर, तो यहाँ पे एक तो ये देखो जो वार्मिंग है इक्वेटर के अलोंग, एक तो ये कंडीशन, दूसरा एब्सेंस ऑफ विंड शेयर, एब्सेंस ऑफ विंड शेयर, विंड शेयर एक ये फैक्ट याद रखो, दूसरा तीसरा जो फेवरेबल फेस है पीडीओ का वार्म फेस जो है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी को फ्यूचर के अंदर इंडियन ओशन रीजन में इंक्रीज कर सकते हैं, ये स्टडी आपकी कह रही है। ठीक है, ऑफसाइड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, देर इज अ एक्सपेक्टेशन दैट इट मे इंक्रीज, ऐसी स्टडी आपकी कही जा रही है। तो देखो ये आपको कहीं भी स्टैटिक पार्ट में नहीं मिलेगा, ये सब आपको पीडीओ क्या होता है इक्वेटर के अलोंग आपका बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ऐप भी जरूर से डाउनलोड करें, सौरभ पांडे यूपीएससी गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जरूर से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, और भी चीज़ें मैं काफ़ी सारे कोर्सेज आपके लिए लेकर आऊँगा, आकलन सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको मौका रहेगा कि आपके आंसर चेक होते रहेंगे, तो भी एक अच्छा मौका आपके लिए रहेगा। तो ऐप में ही सारे अपडेट्स और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, अभी ई बुक आपको मिलेगी जिसमें 2000+ टॉपिक्स हैं, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या मैं आपको शेयर करूँगा, जो लोग आज जुड़ेंगे तो उनको भी शेयर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।